हेलो एवरीवन, मैं अभी मेन मेन सेंसर के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं था टीपीएस सेंसर एंड मैप सेंसर एंड स्टेपर मोटर एंड ऑक्सीजन सेंसर। आपको मैं बताऊँगा कौन कौन से सेंसर 300 का है और 158 का है और कौन 158 और 135 या 180। मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, अभी तक देख सकते हैं ये मैप सेंसर है। ओ माय गॉड, ये यूज किया हुआ है थोड़ा। ये मैप सेंसर है, ये 150i का है। और ये स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर है, ये 150i का है। आप इसे 150i में या और भी बाइक में यूज कर सकते हैं, जैसे कि 135 में या 180 में भी ये, सॉरी 180 में भी ये मैप मिलता है। ये मैप सेंसर है, ये मैप सेंसर, ये 180 या 300 या 250 मिल जाता है। आप इसे देख सकते हैं। एंड ये टीपीएस सेंसर है, ये टीपीएस सेंसर 300 का है। और ये स्टेपर मोटर, ये स्टेपर मोटर 300 का है। आप इसे देख सकते हैं। और ये टीपीएस 150i का है, ये टीपीएस 150 में भी लग जाता है, 135 में भी लग जाता है और 180 में भी लग जाता है। और ये 125 फनारी स्कूटी में लग जाता है। और ये हमारा ऑक्सीजन सेंसर, ये है 300 का। आप 300 या 302 या 302R में लगा सकते हैं इजीली। और ये हमारा ऑक्सीजन सेंसर 150i, 150i का। ये 135 या इसी में लगा सकते हैं, 125 पनारी या बिनेली में लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाया जो ये नॉर्मल से सेंसर है, जैसे कि जो मेन मेन सेंसर होता है टीपीएस मैप एंड स्टेपर मोटर। अभी तक आपको मैंने सेंसर दिखाया है, लेकिन अब तक ये टीपीएस सेंसर और स्टेपर मोटर और मैप सेंसर और इंजेक्टर और ऑटो सेंसर कैसे काम करता है क्या आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।